नमस्कार, रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आलू पराठा। ये पराठा आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए देख लेते हैं आलू पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आलू पराठा बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल कर मैश करके रखा है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, रिफाइंड ऑयल, एक हरी मिर्च को बारीक से काट के रखा है, बारीक कटा हुआ 1 छोटी चम्मच अदरक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 3 कप मैदा और हमें चाहिए हल्का गर्म पानी। अभी हम मैदे को गूंदना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैदे में हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटे का पराठा मेरे घर में कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं मैदे से बना रही हूँ। अगर आपको आटे का पराठा पसंद है तो आप मैदे की जगह आटा से भी ये पराठा बना सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट डो बनाने के लिए हमें जितना पानी इसमें डालना चाहिए उतना ही पानी हम डालेंगे। अगर आप पराठा बनाने के लिए मैदे के जगह आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्म पानी से इसे गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा पानी से ही आप गूंद सकते हैं। ये देखिए सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैश्ड पोटैटो में हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैदे को गूंदने के टाइम भी नमक ऐड किया है, ये ध्यान में रखते हुए नमक ऐड कीजिए। कटा हुआ हरी मिर्च भी डाल देंगे, कटा हुआ अदरक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अभी हम ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इस डो से लोई बना लेंगे। ये हो गया है। अभी हम पराठा बेलना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक लोई लेंगे, इसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। यहाँ बोल पे मैंने थोड़ा सा मैदा रखा है, तो हाथ में थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और फिर इस लोई को ऐसे गोल गोल घुमा के एक बोल जैसा बना लेंगे। ये हो गया है। अभी हम इसमें ये आलू का जो मिक्सचर है 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। और फिर इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। ये अच्छे से लॉक हो चुका है। अभी हम इसे हल्के हाथों से दबाएंगे। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे और इसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला हम इसे नहीं बेलेंगे, नहीं तो ये लीक हो जाएगा और अंदर का जो आलू का मिक्सचर है ये बाहर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से हम इसे बेलेंगे और थोड़ा मोटा करके बेलेंगे। ये हो गया है। अभी हम हाई फ्लेम में तवा को गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और ये पराठा इसमें डाल देंगे। तेल डालने से पहले पराठा को हम अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम आप अपने सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैंने सेक लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तेल देने के बाद इसे ऐसे पलट पलट कर अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए ये हल्का हल्का फूल रहा है, इससे ही पता चल जाता है कि ये अंदर से भी अच्छे से पक रहा है। एक साथ ज़्यादा पराठा हम बेल कर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और पराठा अच्छे से नहीं बनता है। ये देखिए कितना सुंदर फूल रहा है। ये पराठा बन चुका है। अभी हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी पराठा भी हम बना लेंगे। स्वादिष्ट आलू पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।